नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने शुरुआती दिनों में बेघरों को घर देने का वादा किया था और अब वो इस वादे पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आखिरकार अपने इस वादे को वो किस हद तक पूरा कर पाए हैं। मोदी सरकार ने अपने शुरुआती दिनों में बेघरों को घर देने का वादा किया था, जिस पर मोदी सरकार पूर्ण रूप से खरा उतरने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हर बेघर को घर देने का वादा मोदी सरकार पूरा कर रही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस वादे के तहत यूपी में लाखों घर बनकर तैयार है। अगर बात करें दूसरे घटक भागीदारी में, किफायती आवास के तहत 18,598 मकानों का निर्माण आवास विकास परिषद द्वारा कराया जाएगा। लौटे सुडे के निदेशक देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि योजना के तहत मिलने वाला अनुदान 2.5 लाख का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा करने की कार्रवाई की शुरुआत भी कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले दिन गोरखपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों के 75 लाभार्थियों के खाते में राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 1 लाख की अनुदान राशि की पहली किस्त भेज दी गई है। इससे पहले 1.61 लाख 603 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत अब तक प्रदेश के लिए 2.85 लाख 248 मकान बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है। तो दोस्तों, ये तो है हमारे नरेंद्र मोदी जी का अपने वादे को पूरा करने का दौर, और देखते हैं कहां तक उनकी ये स्कीम और उनका ये वादा उनके लिए फायदेमंद साबित होता है। तो दोस्तों, ऐसी और बहुत सारी जानकारी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब।